माँ की आराधना, माँ का मनन, एक आए तो सबसे पहले मैया की आराधना। तेरे भजन गाऊंगा, छोटा सा मंदिर बनाऊंगा, छोटा सा मंदिर बनाऊंगा माँ, तेरे भजन गाऊंगा, तेरे भजन गाऊंगा माँ, मैं तेरे ही गुण गाऊंगा, तेरे भजन गाऊंगा माँ, छोटा सा मंदिर बनाऊंगा माँ, तेरे भजन गाऊंगा। मंदिर बनाऊंगा मां और तेरे गुण गाऊंगा। अभी जो मंदिर है वो कैसे बनेगा, उसकी रचना कैसे होगी, देखिए शब्दों की जो सुंदरता है। काहे की टे काहे का गारा, काहे की लेप लगाऊंगा, काहे की टे काहे का गारा, काहे की लेप लगाऊंगा, ईटे मन का गारा, प्रेम की लेप लगाऊंगा, तन की ईटे मन का गारा, प्रेम की लेप लगाऊंगा, तन की ईटे मन का गारा, प्रेम की लेप लगाऊंगा, तन की ईटे मन का गारा, तेरे भजन गाऊंगा माँ, मैं तेरे ही गुण गाऊंगा, तेरे भजन गाऊंगा माँ, छोटा सा मंदिर बनाऊंगा माँ, तेरे भजन गाऊंगा, छोटा सा मंदिर की ज्योत जगाऊंगा,
संग का दिवला ज्ञान की बाती सच की ज्योति जगाऊंगा। सत्संग का दिवला ज्ञान की बाती सच की ज्योति जगाऊंगा। सत्संग का दिवला ज्ञान की बाती सच की ज्योति जगाऊंगा। सत्संग का दिवला ज्ञान की बाती तेरे भजन गाऊंगा माँ मैं तेरे ही गुण गाऊंगा। तेरे भजन गाऊंगा माँ मैं तेरे ही गुण गाऊंगा। छोटा सा मंदिर बनाऊंगा माँ तेरे भजन राधा खंडेलवाल जी हैं, प्रमोद जी हैं,
और हमारे कलकत्ता से चंद्रकांत भाई हैं, चेन्नई से आनंद जी हैं, हैदराबाद से विनोद जी हैं, मैं किन किन के नाम लूँ, अलका गर्ग जी जो दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा रसिक श्रोताओं में हैं। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी लोग कार्यक्रम को देखेंगे, विशेष वेदी से गुजारिश है कि वे घर पर ही हैं, कहीं और तो जाना ही नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने, अपने स्क्रीन के सामने बैठे रहें, क्योंकि 6 बजे तक, 1 घंटे तक का भजन होता है। मैं जब उठूं तो आपको प्रभु के दर्शन करा के उठूंगा, तो आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना होगा, क्योंकि मैं आज आपको प्रभु से परिचय करा रहा हूं। और भजनों की जो सुंदरता है उसे महसूस कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमेशा भक्तों के प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के जब उत्तर लिखने होते हैं तब कलम उठानी पड़ती है, भजन बन जाते हैं। लोग कहते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, कि प्रभु आपने कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई सभी को दर्शन दिए, लेकिन अगर कभी आप हमारे सामने आ जाए तो हम आपको कैसे पहचाने, क्योंकि हमारे पास में वो दिव्य दृष्टि नहीं है जो आपने अर्जुन को दी थी, मीराबाई को दी थी, हमारे पास वो ताकत नहीं है आपको देखने की। तो जानते हैं, प्रभु कहते हैं आपको वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस समय आपको ऐसा एहसास हो जाए, जो ये शब्द लिखे जा रहे हैं भजन में, तो समझिएगा मैं आपके बिल्कुल बाजू में बैठा हूं। देखिए भजन की जो सुंदरता है और उसे महसूस करें। जब मन में लगन लग जाए तेरी रसना भरी ध्यान दे। किसी मोर की दुख पीड़ा जब तेरे मन लागे, किसी और की दुख पीड़ा जब तेरे मन लागे, निर्बल को बल देने तेरा हाथ बढ़े आगे, निर्बल को जब मन में लगन लग जाए तेरी रसना भरी गुण गाए, जब मन में लगन लग जाए तेरी रसना भरी गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। Thank you.
देने लगो। दूसरी बात, कोई बोले लड़ पे दो तुम्हें तेरी वाणी वो कर जाए। देखिए इन शब्दों को समझना चाहिए कि आप जहां पर जा नहीं सकते उसके पहले आपकी वाणी वहां पहुंच जाए तो समझिए प्रभु आपके बिल्कुल करीब है। जैसे हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में, तू मेरा नाम कह देना तेरा काम हो जाएगा। वहां पर जाते ही जब कहते हैं कि मुझे उन्होंने भेजा है और आपका काम बन जाता है, और जो अंतिम पंक्तियां हैं उनमें विशेष ध्यान दें। सुख दुख में भी प्रभु का जब समाभास करे, सुख दुख में भी प्रभु का जब समाभास करे, जब समाभास करे, मान और अपमान कही न मन में वास करे, मान और अपमान कही न मन में वास करे, झुक कर जो आनंद झुक कर जो आनंद है, ये भजन लिखने का कारण ही यही है। आपने देखा होगा कि गांवों में जाइए आप लोग, छोटे छोटे जो घर होते हैं उनके दरवाजे और उनके दरवाजे के सामने लिखा रहता है जरा झुक के चलिए। और मेरे जैसे लंबे आदमी के लिए तो और भी जरूरी होता है। तो वहां पर जो बात लिखी थी कि जरा झुक के चलिए जिससे आपको लगे नहीं, इसी बात को दूसरे शब्दों में लें कि अदब सिखा दी छोटे से मकान है, अदब सिखा दी छोटे से मकान है, दरवाजे पे लिखा था जरा झुक के चलिए। अगर हम जिंदगी में भी झुककर चले तो समझिए हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा और हम प्रभु की तरफ दूर से बंधे चले जाएंगे। अब घर से मिलन होगा।
वजन होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रभु हमारे बाजू में बैठे हो और हम उनको पहचान जाए। आप लोगों को ये किसने कह दिया कि मीराबाई या नामदेव या सूरदास कबीरदास जी को प्रभु ने साक्षात रूप में दर्शन दिया है, उनको भी एहसास कराया है प्रभु ने, और वो कैसे कराया है इस भजन के माध्यम से सुने आप लोग और महसूस करेंगे कि प्रभु उन तक कैसे पहुंचे और वो प्रभु तक कैसे गए। मीरा की मीराली
पी कर शहर की प्यारी निगाह दिया की निगाहें पी कर शहर की ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में वो ऐसा गिरधर बसाया वो ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में ऐसा जब आया काला नाग बोली घन है मेरे भाग जब आया काला नाग बोली घन है मेरे भाग आज आए प्रभु साहब के निवास में आज आए प्रभु साहब के निवास में आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार आओ बड़ी कृपा है कृपा निधान की बड़ी कृपा है कृपा निधान की बड़ी कृपा है कृपा निधान की सर्वे सर्वे में छाकी भगवान की सर्वे भाई के बाद सुरदार जी इसी तरह सूरदास निघा जिनकी थी खास इसी तरह सूरदास निघा इसी तरह सूरदास निघा जिनकी थी खास इसी तरह सूरदास निघा ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का ऐसा नैनों में नशा था जब नैन हुए बंद तब आए मुखानंद जब नैन हुए बंद तब आए मुखानंद आई अग्नि नजर घन श्याम की किसी जुवाली आंखों ने पहचान की सर्वे सर्वे में छाती भगवान की सर्वे सर्वे में छाती भगवान की ओ सर्वे सर्वे में छाती भगवान की और ये जो अंतिम पंक्तियां है विशेष ध्यान दे आप हर जग वो समाया सारे जग को दिखाया 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 पत्ते पत्ते में था देखा निराकार को पत्ते पत्ते में था देखा निराकार को वही हाजिर हुजूर नजदीक कहो दूर वही हाजिर हुजूर नजदीक कहो दूर मेहर पानिया है उसी मेहरबान की ये सारी चीजें हैं ये एक ही दुकान की सर्वे सर्वे में छाती भगवान की सर्वे किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की सर्वे सर्वे भगवान की झांकी
जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूरज वाली आंखों में पहचान। लेकिन प्रभु तो स्वयं कह रहे हैं कि मैं वहां नहीं हूं जहां आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी वाली बात कही है प्रभु ने। और कबीरदास जी ने उस बात को बड़े सुंदरता से भजन के माध्यम से बताया है कि प्रभु को वहां मत ढूंढिए जहां आप लोग रोज ढूंढते हैं, और इस भजन से समझ लें कि प्रभु है कहां। Yeah.
काशी कैलाश में हूँ, ना ब्रह्मांड आकाश में हूँ, मैं सिर्फ जहाँ हूँ एक शब्द में हूँ। अगर आपकी इच्छा हो कि मुझे पाना चाहते हैं तो आइए और देखिए आखिरी पंक्ति में। जो खोजो तो मैं मिल जाऊं, जो खोजो तो मैं मिल जाऊं, जो खोजो तो मैं मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, एक पल की कदम बढ़ाइए, आपके कदम बढ़ाने की देर है, मैं तो आने के लिए तैयार हूं। सुंदरता देखिए भजन की। जरा तारों से तारे मिला कर दो, जरा नजरों से नजरे मिला कर दो, प्रभु मदे घूमे पीछे घूमे चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर दो, जरा तारों से तारे मिला कर दो, प्रभु मदे घूमे पीछे घूमे चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए पीछे चले आएंगे। कैसे चले आएंगे? माया धनान पत्थर को प्रभु मान कर, माया धनान पत्थर को प्रभु मान कर, माया धनान पत्थर को प्रभु मान कर, माया धनान पत्थर जान कर, पाया माया केवट ने चरणों की धूरी धोकर, माया केवट ने चरणों की, माया केवट ने चरणों की धूरी धोकर, माया केवट ने चरणों की धूरी धोकर, चरणों में उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर दो, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर दो, प्रभु मदे घूमे पीछे घूमे चले आएंगे, प्रभु जरा Thank you.
मीरा के जैसे विश्व की जरूरत नहीं है और केवल के जैसे भूमि की जरूरत नहीं है। आपकी जो कमी है उसको आप पूरी करें, और वो कमी क्या है? वो है नाता भिखारी तू बन कर तो दे, वो है नाता भिखारी वो है ठाकुर पुजारी तू बन कर तो दे, उसके आगे तू झोली पैदा कर तो दे, उसके आगे तू झोली प्रभु मंदिर में खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर प्रभु चले आएंगे। और आपको कमाल हो गई, अहमदाबाद से दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, बंबई से सोनल दमानिया जी हमारे साथ हैं, और साथ ईस्ट अफ्रीका से मीता बहन नैरोबी से हमारे साथ हैं। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, भजनों का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली से लता गर्ग जी हैं, प्रदीप गर्ग जी हैं, दीपा सोनी जी हैं, राधा खंडेलवाल जी हैं, अमरचंद जी जोशी हैं, अनिल सोनी जी है, स्नेहा जी है, बायती जी है, कोठारी जी है, मैं किन किन के नाम लो, सभी लोग हैं। और जो रह गए वो मुझे माफ करें, क्योंकि भजन सुना रहे हैं आपको और भजनों का आप आनंद लें। अब इस भजन के माध्यम से आप लोग सुने कि इसके आगे प्रभु कहीं नहीं है। ये जो भजन की सुंदरता है, निराकार रूप में मैं इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं लिख सकता हूं। क्या मांगे प्रभु, क्या ढूंढे काशी मथुरा तो प्रभु से मिला लूं, तुझे प्रभु का दर्श करा लूं, प्रभु से मिला लूं, तुझे प्रभु का दर्श करा लूं, तुझे कहे तो प्रभु से मिला लूं, तुझे प्रभु का दर्श करा लूं, तुझे कहे तो प्रभु से मिला लूं, प्यासे को पानी पिला देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, ओके
इस प्यासे को पानी पिला देना, इस प्यासे को पानी पिला देना। उस पल का मिल जो आभास दे, बस वही प्रभु का एहसास है, बस वही प्रभु का एहसास है, बस वही प्रभु का एहसास है, जो कहे तो प्रभु से मिला दूं, तुझे प्रभु का दर्शन करा दूं। दूर नहीं प्रभु तुझसे, तेरी आंखों ने ना पहचाना, तेरी आंखों ने ना पहचाना, तेरी आंखों ने ना पहचाना। पास प्रभु तेरे बैठे और तूने नहीं तूने जाना, और तूने नहीं जाना, और तूने नहीं जाना। तू जो कहे तो प्रभु से मिला दूं, तुझे इतनी सी बात बता दूं, तुझे कहे किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी भूखे को रोटी खिला देना, ओ किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी भूखे को रोटी खिला देना। इस पल का मिले जो आभास तुझे, बस वही प्रभु का एहसास है, बस वही प्रभु का एहसास है, तुझे कहे तो प्रभु से मिला दूं, तुझे प्रभु का दर्शन करा दूं। प्रभु मंदिर में है, तू सोचे मस्जिद में, तू सोचे मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, प्रभु बसे तेरे मन में, प्रभु बसे तेरे मन में, तुझे कहे तो प्रभु से मिला दूं, तुझे राज की बात बता दूं, तुझे कहे तो प्रभु से मिला दूं, तुझे राज की बात बता दूं। किसी रोते को आज हंसा देना, किसी रोते को आज हंसा देना, ओ किसी रोते को आज हंसा देना, किसी रोते को बस वही प्रभु का एहसास है, बस वही प्रभु का एहसास है, बस वही प्रभु का एहसास है। किसी रोते को हंसा दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए, लेकिन जो कहते हैं आपसे कि हमने प्रभु को देखा है, तो मेरा ये कहना है वो आपसे झूठ कहते हैं, बिल्कुल झूठ कहते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। इस संसार में आज तक प्रभु को किसी ने भी नहीं देखा। इसके पहले के आपको जितने भी भजन मैंने सुनाए वो उसका प्रमाण है। चाहे मीरा हो, चाहे नामदेव हो, सुरदास हो, कबीरदास हो, तुलसीदास हो, सभी ने एहसास किया है प्रभु का। मीरा ने विश्व में अमृत का पान किया, धन्ना ने पत्थर में पाया, केवट ने चरणों की धूरी में पाया, सुरदास ने बुखार बिंद से पाया। तो फिर प्रभु है कहां? ये अंतिम पंक्तियां आप सुनिए, मैंने लिखने की कोशिश की है, अगर सही लिखा है तो जरूर आशीर्वाद दीजिएगा।
इसने देखा जग में प्रभु को, पावे नहीं कोई पारा, पावे नहीं कोई पारा, पावे नहीं कोई पारा। इसने देखा जग में प्रभु को, पावे नहीं कोई पारा, पावे नहीं कोई पारा, पावे नहीं कोई पारा। प्रभु को एक एहसास है जग में, और भरम जग सारा, और भरम जग सारा, और भरम जग सारा। तू जो कहे तो प्रभु से मिला लूं, तुझे इतनी सी बात बता लूं, तू जो कहे तो प्रभु से मिला लूं, तुझे इतनी सी बात बता लूं। किसी भटके को बस वही प्रभु का एहसास है, बस वही प्रभु का एहसास है, बस वही प्रभु का एहसास है कि किसी गिरते को उठा लेना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी भटके को राह दिखा देना। तो ये आपका प्रश्न अभी भी वही खड़ा है कि आप पिछले एक घंटे से यही कह रहे हैं कि हमको निराकार से आपने मिला है, हमें साकार रूप में प्रभु चाहिए, हम उन्हें देखना चाहते हैं। तो चलिए, हमने उनके लिए भी रास्ते बना दिए, कलम चलाई, और आपको साकार रूप में आज मैंने आपसे वादा किया था कि प्रभु के दर्शन करा के आपको घर भिजवाएंगे। कि कहते हैं कि ढूंढ ढूंढ सब हारे जग में कि ये स्वर्ग कहां पे बसा है, ढूंढ ढूंढ सब हारे जग में ये स्वर्ग कहां पे बसा है। अरे मात पिता के बैठो चरण में, स्वर्ग वहां पे छुपा है। जो मात पिता को ना पूजे उनका जीवन बेकार है, जो मात पिता मात पिता से बढ़कर जग में कोई तीर्थ ना धाम है, मात पिता से बढ़कर जग में मात पिता से बढ़कर जग में कोई तीर्थ ना धाम है, मात पिता से बढ़कर जग में कोई तीर्थ ना धाम है। बिल्कुल साकार रूप में आपके घर में मौजूद है आपके मात पिता, प्रभु आपके सामने है, और सबसे पहले माँ। जिस माँ ने तुझे जीवन देकर इस जग में तुझे लाया, जिस माँ ने तुझे जीवन देकर इस जग में तुझे लाया, जिस माँ ने तुझे जीवन देकर इस जग में तुझे लाया, पकड़ कर चलना फिरना लिखना पढ़ना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना फिरना लिखना पढ़ना सिखाया, कैसे कैसे कष्ट उठा कर, कैसे कैसे कष्ट उठा कर जीवन तेरा सजाया, जिस ऋण को न कोई चुका सका वो माँ का ये उपकार है, जिस ऋण को न कोई चुका सका वो माँ का ये उपकार है, मात पिता
कर जग में कोई तीरथ दाता है। जो मात पिता को ना पूजे उनका जीवन बेकार है। जो मात दूसरे क्रमांक पर है पिता। पिता ने अपने कांधे बिठा कर बन बैठे तेरा घोड़ा। पिता ने अपने कांधे बिठा कर बन बैठे तेरा घोड़ा। कदम कदम पर पिता ने चल कर तेरी नाव को जोड़ा। कदम कदम पर पिता तेरी राह को जोड़ा। जीवन साथी के मिलतेगी जीवन साथी के मिलतेगी। मात पिता को छोड़ा दो मीठे बोल की चाह उन्हें नहीं माया की दरकार है। दो मीठे बोल की चाह उन्हें नहीं माया की दरकार। जो मात पिता को ना पूजे उनका जीवन बेकार है। जो और इन पंक्तियों में मैंने आने वाली पीढ़ी को एक चेतावनी दी है। शब्दों पे गौर करें। आज किया जो मात पिता संग तेरा कल भी आएगा। आज किया जो मात पिता संग तेरा कल भी आएगा। बोया जैसा बीज है तूने 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 वैसा फल तू क्या इतना इतना जग दो दिन की बहार है। आज पे क्या इतना जो मात पिता को ना पूजे उनका जीवन बेकार है। अंतिम पंक्तियां जिसमें मैंने पूरी तरह से निचोड़ दिया है और लगे कहीं पर भी कि पंक्तियों के माध्यम से मैंने मात पिता को इनके समकक्ष सुनाने की कोशिश की है तो जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। इस जग का अगर कोई है विधाता इस शक्ति को जा। इस जग का अगर कोई है विधाता इस शक्ति को जा। इस जग का अगर कोई है विधाता इस शक्ति को जा। इस जग का अगर कोई है विधाता इस शक्ति को जा। मात पिता को जो पहचाने ये दुआएं मात पिता की वही प्रभु का प्यार है। तू ये दुआएं मात पिता की वही प्रभु का प्यार है। क्या करता तू धर्म कहीं सब झूठा तेरा प्यार है। क्या करता तू धर्म कहीं
समझे जग जीतनिया पर सबसे बड़ी तेरी हार है। तू समझे जग जीतनिया सेवा कर ले अब से बेड़ा पार है। माँ पिता की सेवा कर ले अब से बेड़ा पार है। वही प्रभु का धाम है, वही प्रभु का धाम है, वही प्रभु का वास है, वही प्रभु का वास है, वही प्रभु का धाम है, वही प्रभु का धाम है, वही प्रभु का धाम है। पहले मैंने निराकार रूप में आप लोगों से बताने की कोशिश की कि प्रभु यहाँ 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 है, और आखिर में मैंने आपसे जो प्रश्न है, भक्तों का बिल्कुल प्रश्न सही है कि हम साकार रूप में प्रभु देखना चाहते हैं, तो साकार रूप में आपके घर में स्वयं आपके माता पिता हैं, हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, मेरे भाई हैं श्री पुरुषोत्तम जी मलसे सरिया जी, उनके घर में उनके जो माता पिता हैं वो समझिए आप देवता तुल्य हैं। ऐसी एक परिवार है, ऐसी एक फैमिली है, सभी आज जुड़े हैं। दीपा सोनी जी हैं, माधुरी अग्रवाल जी हैं, अलका गर्ग जी हैं, प्रदीप गर्ग जी हैं, मल्होत्रा जी हैं, अमरचंद जी जोशी, अनिल सोनी जी, स्नेहा जोशी जी, नंदकिशोर जी कोठारी, युगल कोठारी जी, शिवम कोठारी, सभी परिवार के लोग हमारे साथ हैं। तोशनीवाल जी हैं, भाईती जी हैं, मैं किन किन के नाम लूँ जिन्होंने भी आज हाजिरी लगाई और प्रभु के दर्शन किए, वो सब मैं समझता हूँ धन्य है। चलो आखिर में उमेश शर्मा डब्बू जी भी आ गए, उन्होंने भी हाजिरी लगा दी अपनी। तो सभी लोग प्रभु का आनंद लें और रोज अपना एक घंटा जरूर दें और सबके साथ में जोड़ें और प्रभु के भजन सुनकर प्रभु से डोर अपनी बांधें। जय श्री श्याम।